हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा। पुष्पा की पाकशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ महीनों चलने वाली खस्ता टेस्टी नमक पारे का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल खस्ता नमक पारे बन के रेडी होंगे और इन्हें आप आराम से 1-2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बाउल ले लिया, आप अपने अनुसार कोई एक बर्तन ले लें। और मैंने 2 कप लिया है मैदा। आपको जितने नमक पारे बनाने उसके अनुसार मैदा ले सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक डाल दिए, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/4 कप मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। नमक पारे बना रहे तो थोड़ी नमक की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है, टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मोयन दे देंगे। तो आपको अच्छे से मसल के मैदे को तैयार कर लेना। इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे, परफेक्ट बन रही, मतलब हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगा के तैयार कर लेंगे। आटा आपको ना तो ज़्यादा गीला लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है, मीडियम आटा लगा के तैयार कर लेना है। इस तरह का आप देख सकते हैं। तो मैंने आटा लगा दिया है। अब मैं इसको कोई सूती कपड़े से ढक के रख दूँगी। ये कपड़ा मैंने भिगो के अच्छे से निचोड़ लिया और इससे हम ढक देंगे और 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो अब मैं ले रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच मैदा, जिसमें मैंने तेल लिया था उसी में ले रही हूँ। आप अपने अनुसार कोई बर्तन में ले ले। 2 चम्मच मैंने मैदा ले लिया और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। तो अच्छे से मिक्स करूंगी, ज़रूरत के अनुसार और डालूंगी। पहले मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, ये पिघला हुआ घी डाल रही हूँ मैं। और अब इसको मैं मिक्स करूंगी, आपको ज़रूरत के अनुसार डालना है। तो आप इसमें सारा घी डाल सकते हैं ज़रूरत लगे तो आपको, लेकिन मैं सारा घी इसमें नहीं डालूंगी, इसमें 1/2 तेल और 1/2 घी डालूंगी। इस तरह से मिक्स करूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी तेल, जो हम तड़के में डालते हैं। सरसों का तेल नहीं लेना आपको, मूंगफली वगैरह का जो बिना खुशबू वाला तेल होता है वो ही लेना। और इस तरह से मिक्स करेंगे और एक पतला सा घोल की तरह बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो आप सारा घी डाल सकते हैं या फिर सारा तेल ही डाल सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। इस तरह से हम मैदे को मिक्स करके रख देंगे। अब जो हमने मैदा रखा था गूंद के, उसको भी 1/2 घंटा हो गया। मैंने 1/2 घंटा इसको रेस्ट पर रख दिया था। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कम से कम 20 मिनट आप रख सकते हैं, नहीं तो 1/2 घंटा रख दे। थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया हाथों में, आप घी तेल कुछ भी लगा ले। और 1 मिनट के लिए हम अच्छे से आटे को गूंदेंगे। आपको 1 मिनट अच्छे से गूंद के सॉफ्ट बना लेना है आटे को इस तरह से। तो मैंने 1 मिनट गूंद लिया है। अब मैं ले रही हूँ चकला, जिस पर हम रोटी बेलते हैं, और थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा ले लिया प्लेट में। इस तरह से लोई बनाएंगे और मैदा लगा देंगे और एक पतली सी रोटी बेल के आपको तैयार कर लेनी। बड़ी रोटी बेलूंगी मैं, आप जितनी पतली बेल सकते उतनी पतली आपको बेल के तैयार कर लेनी है। तो मैंने एक पतली सी रोटी को बेल लिया है इस तरह से, बहुत बड़ी बनाई है मैंने। आप जितनी पतली बेल सकते उतनी बेले, अच्छी बनेगी आपकी जो इसकी परत है वो। अब जो हमने मैदे का और घोल बना के रखा था वो इसके ऊपर लगाएंगे। मुझे अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मैं थोड़ा सा 1 चम्मच तेल और मिक्स करूंगी, क्योंकि थोड़ा पतला होना चाहिए, रखा था तो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह का, बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब पूरी रोटी पे हम अच्छे से इसको कोट कर देंगे। आपको अच्छे से लगा देना इसको। और आपको याद दिला दूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर से करें। तो मैंने अच्छे से रोटी के ऊपर ये घोल लगा लिया और इस तरह से हम रोटी को फोल्ड कर देंगे, गोल गोल बनाएंगे, एक रोल की तरह इसको फोल्ड कर देना आपको। तो मैंने रोटी को इस तरह से फोल्ड कर दिया और अच्छे से इसको हाथों से थोड़ा लंबा इस तरह से रोल बना देंगे। अब इसको मैं कट कर दूंगी, आप चाकू की सहायता से या कट्टर की सहायता से इस तरह से 1-1 इंच के गैप से हम छोटी छोटी लोई की तरह कट कर देंगे। तो मैंने सारी जो लोई है इस तरह से कट कर दिए, देखिए। तो आप ध्यान से देख के बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता नमक पारे आप बना के रेडी करेंगे। अब इस तरह से आपको एक छोटी सी लोई को बना लेना है और बेल लेंगे हम, पतली सी, जैसे हम पूड़ी वगैरह नहीं बेलते उतना इसको पतला सा बेल लेना है। अब इसके ऊपर मैं वापस से वही घोल लगाऊंगी जो मैदे और तेल वगैरह का बना के रखा था, अच्छे से आपके इसके ऊपर भी लगा देना है। और इसको हम फोल्ड कर देंगे और अंगुली की सहायता से दबाएंगे, फिर ऊपर और लगाएंगे और फिर वापस और फोल्ड कर देना है। तो
इस तरह से आपको सेप दे देनी है। आप और कोई सेप देना चाहते तो अपने अनुसार दे सकते। और हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा बेलना आपको हल्के हाथों से। तो इस तरह से मैंने सारे नमक पारे बेल के तैयार कर लिए हैं और साइड में मैंने तेल भी गरम चढ़ा दिया था। तो तेल हमारा गरम हो गया है, मैं इस तरह थोड़ा सा आटा डाल के देखूंगी। देखिए हल्के हल्के इसमें बॉल्स आ रहे हैं। आपको ज़्यादा तेल गरम नहीं करना, इतना कि धुआं निकलने लगे। हल्का तेल गरम करना है और गैस की आँच आपको धीरे रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे नमक पारे डालते जाएंगे। आप जितने डाल सकते उतने डाल दें। और इस तरह से हम जैसे नमक पारे डाल रहे हैं तो हल्के हल्के बॉल्स आ रहे हैं, मतलब तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं सारे इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप तेल ज़्यादा गर्म रखेंगे तो डालते ही ऊपर से तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये परतदार और खस्ता नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, मतलब ये खस्ता नहीं बनेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। तो धीमी आँच पे हम इसको एक मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको एक मिनट तक इनको ऐसे ही छोड़ देना है और गैस की आँच है वो धीरे रखनी है। एक मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे। तो एक मिनट के बाद आप इस तरह से कोई चम्मच या झारा वगैरह कुछ भी ले ले और चला दे। तो एक मिनट हो गया था। तो इस तरह से हमारे जो नमक पारे हैं वो हल्के हल्के फूलने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार चला देते हैं। और अब गैस की आँच है आपको मीडियम कर देनी, एक से डेढ़ मिनट के बाद आपको गैस की आँच मीडियम कर देनी। जैसे ये नमक पारे ऊपर आने लगे तो मीडियम आँच रखनी है और इनको पलटते हुए हम अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आपको आराम से इनको फ्राई करना है। लगभग इनको एक बेंच को फ्राई होने में 15 से 20 मिनट टाइम लग जाता है। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी अगर खस्ता नमक पारे बनाने हैं तो। अगर आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे तो आप ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो आपको आराम से इनको फ्राई करना है, जितने खस्ता बनेंगे उतने ही ज़्यादा दिन चलेंगे। अब आधे फ्राई हो चुके तो गैस की आँच आपको थोड़ी तेज़ कर देनी है। अगर ज़्यादा तेज़ जलता तो थोड़ी कम रखें, नहीं तो आप तेज़ आँच पर इनको फ्राई कर लें। तो अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं और मुझे लगभग इनको फ्राई करने में 20 मिनट लगा एक बेंच को तैयार। इस तरह से कलर होने तक मैंने फ्राई कर लिया है। तो मैं आपको आज दो कलर में फ्राई करके बताऊंगी। एक मैंने ज़्यादा इस तरह का कलर किया है और इसी तरह से मैं सारे नमक पारे निकाल के एक प्लेट में निकाल दूँगी। मैंने अखबार बिछा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अखबार सोख ले। अब गैस की आँच मैंने निकालते समय धीरे कर दी थी और धीमे आँच पर हम वापस नमक पारे डालेंगे। तेज़ आँच पर आपको बिल्कुल भी नहीं डालने और सारा बेंच में इसी तरह से तैयार। तो एक मैंने इस तरह के कलर किया था एक बेंच पे और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। जिसको ज़्यादा डार्क है वो थोड़ी टाइट ज़्यादा है। तो आपको नमक पारे की आवाज़ सुन के ही पता लग गया वो कितने खस्ता बने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बने हैं। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, ये महीनों चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल खस्ता है, देखें। तो इस तरह से आप नमक पारे बना के ये एक से दो महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं और आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।